कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र से गुजर रही है। इसी बीच पार्टी के लिए दुखद खबर सामने आई है। दरअसल कांग्रेस सेवा दल के नेता कृष्णकांत पांडे का मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के दौरान निधन हो गया। निधन से कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि अंतिम वक्त में भी वे अपने हाथों में तिरंगा थामे हुए थे। कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि पांडे मार्च के दौरान गिर गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पांडे के निधन पर शोक जताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस सेवा दल के महासचिव कृष्णकांत पांडे जी का निधन पूरे कांग्रेस परिवार के लिए दुखद है। उनके प्रियजनों को मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज यात्रा के दौरान अंतिम समय में उन्होंने हाथों में तिरंगा थामा था। देश के लिए उनका समर्पण हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, यात्रा की आज 62वीं सुबह मेरे और दिग्विजय सिंह के साथ सेवा दल के महासचिव कृष्णकांत पांडे राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए चल रहे थे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज दूसरे नेता को सौंप दिया। इसके बाद वो गिर पड़े। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए